अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट का आगाज़ करेंगे सबसे पहले। और चैप्टर वन शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हाउ कैन वी फाइंड रेडियस ऑफ अर्थ, हम अर्थ का रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं, लेट अगर ये सपोज कर लें अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस ये रेडियस कहलाएगा। तो बताएं ये हम रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप ये ना देखें कि पहले कितना इसका आंसर है, साइंटिस्ट ने क्या वैल्यू फाइंड की हुई है, उसको छोड़ दें जो पहले कहा गया हुआ है क्या इसकी वैल्यू है। आप इसको देखें, आपको मैंने क्वेश्चन दिए तो आपकी क्या अप्रोच हो सकती है कि कैसे रेडियस फाइंड किया जा सकता है। मैं कुछ अप्रोचेस आपको बताता हूँ। नंबर एक ये कि हम ऑर्डिनरी मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। नंबर टू ये कि आपके पास मेजरिंग टेप है, लॉन्ग मेजरिंग टेप है, उस टेप का एक एंड सेंटर पे रखें और लॉन्ग मेजरिंग टेप का दूसरा एंड सरफेस पे रखें, तो जितनी लेंथ टेप की होगी वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तीसरी अप्रोच ये है कि आप इस अर्थ पे स्मूथ लेक बना लें, एक नहर बनाएं जो इसके सेंटर से लेकर सरफेस तक आए, जितनी लेंथ उस लेक की होगी उतनी ही लेंथ रेडियस की होगी। या आप लैडर लें, लॉन्ग लैडर लें, एक सीढ़ी लें, बहुत बड़ी सीढ़ी लें, उस सीढ़ी को रख दें इधर हॉरिजॉन्टल पे, तो जितनी लेंथ सीढ़ी की होगी उतनी लेंथ इस रेडियस ऑफ अर्थ की होगी। या आप ये कह सकते हैं, लेज़र लाइट लें, मून पे ले जाएं लेज़र लाइट को, वहाँ से लेज़र लाइट फॉल करें, उस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। या आप हाइट पे फ्लाइट कर लें और फ्लाई करके वहाँ से अर्थ के कर्वेचर को देखें, और कर्वेचर को देखकर आप रेडियस ऑफ अर्थ बता सकते हैं, मतलब किस मेथड से बता सकते हैं। आप इन अप्रोचेस में से आप देखें क्या आंसर हो सकता है, आप आंसर देने की कोशिश करें, और जब आंसर आप देंगे तो उस आंसर को आप पेज पे टेबल पे लिख लें। अगर उसमें कोई गलत फहमी है, मिस्टेक्स हैं, तो वो क्लियर हो जाएंगी जब जैसे जैसे हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पढ़ते जाएंगे, जितनी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी जितनी मिस्टेक्स होंगी वो खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। और आप आंसर देने की कोशिश करें, ट्राई करें, आप ये ना देखें कि राइट आंसर क्या है। इस तरह करने से आपकी अप्रोच बढ़ेगी, फिज़िक्स में आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको फिज़िक्स की अफादियत का पता चलता जाएगा कि फिज़िक्स हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। चले हम चलते हैं चैप्टर वन पे। चैप्टर वन का नाम है मेजरमेंट, और इस मेजरमेंट में हम कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, हम देखेंगे हाउ कैन वी फाइंड एक्यूरेट मेजरमेंट और कैलकुलेशन, हम एक्यूरेट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि फिज़िक्स क्या होती है, फिज़िक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखने लगे हैं आज। फिज़िक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है, और साइंस का वर्ड निकला है साइंशिया से, और साइंशिया का मीनिंग होता है नॉलेज, और फिज़िक्स ग्रीक वर्ड है, और फिज़िक्स का मीनिंग होता है नेचर, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि फिज़िक्स स्टडी ऑफ नेचर है, नेचर की स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। तो देखें नेचर क्या होती है, जैसे सनराइज, सन सेट, मून, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे सराउंडिंग में ये नेचर हैं, और जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल जितने भी फिनोमेना हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, उन तमाम फिनोमेना को डिस्कस करने वाली साइंस की ब्रांच का नाम फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स बेसिकली मैटर को और एनर्जी को डिस्कस करती है। तो चलते हैं हम आइंस्टाइन की इक्वेशन की तरफ। आइंस्टाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन की ये इक्वेशन बताती है कि मैस एनर्जी में और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आइंस्टाइन की ये एक इक्वेशन फिज़िक्स को डिफाइन करती है, यानी फिज़िक्स में हम क्या कहते हैं, दी ब्रांच, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस
which deals with matter and energy and their mutual relationship. तो फिजिक्स का हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया. अब देखते हैं फिजिक्स बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड की जाती है. 19th century से पहले तक की जो फिजिक्स थी उसको हम नाम देते हैं क्लासिकल फिजिक्स. और इस क्लासिकल फिजिक्स में जो ब्रांचेस हम स्टडी करते हैं उनमें एक मैकेनिक्स हैं, ऑप्टिक्स हैं, फ्लूइड्स हैं, थर्मोडाइनमिक्स हैं एंड साउंड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म भी है. फिर दूसरी 19th century के एंड से लेकर आफ्टर द 19th century जितनी भी फिजिक्स है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स. और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, एटॉमिक पार्टिकल्स को एंड मैनी मोर. ये जितनी भी एडवांस ब्रांचेस हैं, क्वांटम मैकेनिक्स वेरी एडवांस ब्रांच है, ये तमाम ब्रांचेस को हम मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हैं. इसके बाद जैसे ये डिवाइड किया तो इसके बाद हमने देखा कि जितनी भी फिजिक्स के ये ब्रांचेस हैं इनको स्टडी किए बगैर हम किसी भी फिनोमेना को समझने से कासे रह जाते हैं, हम उसको अच्छी तरह से नहीं डिस्कस कर सकते. तो ये जितने भी टॉपिक हैं, हम ये जितने भी ब्रांचेस हैं इसका शॉर्टली हम अपनी इस फर्स्ट ईयर बुक में पढ़ेंगे. बुक फर्स्ट ईयर बुक में हम मेजरमेंट से लेकर हम हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स तक स्टडी करेंगे. और फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहता है. क्योंकि एक अगर इंजीनियर की बात करें तो हमें पता है कि इंजीनियर ने अगर कोई स्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसको हिसाब किताब करना पड़ेगा कि कितनी फोर्स होगी तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, स्टे रहेगा. और अगर ऐसा ना हो तो नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है. यानी आपने ये ब्रिज देखा होगा, ब्रिज में कैलकुलेशन होती हैं कि कितनी फोर्स होगी, लगेगी तो वो स्टेबल रहेगा ब्रिज. अगर वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाए तो ब्रिज टूट सकता है, हज़ारों जाने जा सकती हैं. मतलब हम कह सकते हैं कैलकुलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. और फिजिक्स एक्चुअली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है. फिजिक्स हमें बताती है कि कैलकुलेशन लेकर हम अपनी लाइफ को कितना आसान कर सकते हैं. ये था आज का लेक्चर. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहें. और नेक्स्ट हम चैप्टर फर्स्ट का प्रॉपर आगाज़ करेंगे, फिजिक्स की डेफिनेशन करेंगे एंड फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट लेंगे. तो आज का लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.